प्रवीण सिंह परमार फ्रॉम बड़ोड़ा गुजरात. दिस इज माई सन मिस्टर युवराज सिंह. आई एम वर्किंग इन अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट धार, मनावर. ये तकलीफ की शुरुआत मेरे को लास्ट वन मंथ पहले हुई थी. मेरे को नॉर्मल खांसी चालू हुआ तो उसी टाइम मैंने दो तीन दिन बाद एक डॉक्टर से दवाई लिया तो मैंने तीन दिन तक कंटिन्यू दवाई लिया, फिर भी मेरा कफ ठीक नहीं हुआ. तो मैं फिर अनदर डॉक्टर के पास गया और उनसे भी दवाई लिया. तो दवाई लेने के बाद भी मेरा कफ ठीक नहीं हो रहा था तो मैंने बोला डॉक्टर साहब को कि आप मेरे को एडमिट करके मेरा ब्लड टेस्ट, सब जो भी एक्सरे टेस्ट करना है वो पूरा करवा लीजिए. तो उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट, एक्सरे सब करवाया. तो उन्होंने फिर मेरे को फर्दर सीटी स्कैन के लिए एडवाइस दिया कि आप सीटी स्कैन करवा लो. तब जाके मैंने सीटी स्कैन करवाया और सीटी स्कैन का रिपोर्ट मैं दिखाया डॉक्टर साहब को. तो उन्होंने मेरे को एडवाइस दिया कि आप बड़ोड़ा या इंदौर कोई बड़ा हॉस्पिटल में चले जाओ और वहाँ आप ट्रीटमेंट ले लो. तो फिर बाद में मैं बड़ोड़ा आके स्टर्लिंग का कंसल्ट किया. फिर मैंने स्टर्लिंग हॉस्पिटल में का कंसल्ट किया. वहाँ जाके हमारा रिपोर्ट डॉक्टर नील ठक्कर साहब ने पूरा रिपोर्ट चेक किया और रिपोर्ट चेक करने के बाद मेरे को एडमिट किया. और एडमिट करने के बाद फर्स्ट तो मेरा इको करवाया गया. इको में फाइंड आउट हुआ कि हार्ट के आसपास में फ्लूइड आया हुआ है. तो फ्लूइड को रिमूव करके उसको सैंपल के लिए भेज दिया और फिर मेरे को सीटी स्कैन करवाया. सीटी स्कैन करवाने के बाद फाइंड आउट किया कि लंग्स के पास में हल्का सा ट्यूमर है. तो फिर उसको बायोप्सी करवाया और बायोप्सी करवाने के बाद फाइंड आउट किया कि कैंसर का ये है. देन आफ्टर मेरा जो रिपोर्ट था वो वहाँ बड़ोड़ा में दो तीन सर्जन को कंसल्ट करके नील ठक्कर साहब ने पूरा रिपोर्ट बताया और सर्जरी के लिए ये बात किया. तो वो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि हम सर्जरी नहीं कर सकते. तब जाके डॉक्टर नील ठक्कर साहब ने इधर डॉक्टर नासिर यूसुफ साहब का कंसल्ट किया और पूरा मेरा रिपोर्ट भेज के उनसे बात किया. तब जाके डॉक्टर साहब ने हमारा टेली कंसल्ट करके हमको बताया कि आप कोची आ जाओ, मैं पूरा ऑपरेट करके सर्जरी कर दूंगा. फिर हम कोची आ गए. इधर कोची आने के बाद हम सनराइज हॉस्पिटल में एडमिट हो गए. वहाँ पे डॉक्टर नासरी यूसुफ एंड टीम ने पूरा चेकआउट करने के बाद 11 अक्टूबर को सर्जरी का डेट फिक्स किया. उसी दिन सेम डे 9 आवर सर्जरी के बाद मेरे को आईसीयू में शिफ्ट किया गया विदाउट वेंटिलेटर. आईसीयू में शिफ्ट नॉर्मल था मैं. और फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में मेरे को 10 बजे कंप्लीट ये करके मेरे को वॉकिंग भी करवाया. और सेम डे इवनिंग को मेरे को नॉर्मल रूम में शिफ्ट की गया. ओनली वन डे आईसीयू का रिक्वायरमेंट था. उसी दिन इवनिंग को मेरे को नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया. वहाँ पे खाली ओनली 2 ट्यूब लगा हुआ था मेरे को, बाकी खाना पीना सब नॉर्मल था. और दूसरे दिन से मेरे को वॉकिंग के लिए बोला गया और दूसरे दिन मेरे को 6 फ्लोर तक और नीचे से स्टेयर ऊपर चढ़ के पूरा मेरे को आने चढ़ने के लिए बोला गया. तो नॉर्मल में 6 फ्लोर नॉर्मल ऊपर चढ़ के आ गया. मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ है और नॉर्मल में रूटीन नॉर्मल वॉकिंग कर रहा हूँ. और उसके बाद में मेरे को आज 1 वीक हो गया है, एकदम नॉर्मल फील कर रहा हूँ. उसके लिए मैं पूरी टीम, डॉक्टर नासिर यूसुफ एंड टीम एंड डॉक्टर लुविन सर,
उनका भी खूब खूब धन्यवाद मानता हूँ मैं। सब ऑल आर थैंकफुल टू फॉर मी नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर नासिर यूसुफ, ही इज द गॉड ऑफ मेडिकल साइंस, एक भगवान है मेरे लिए और मेडिकल साइंस के लिए भी। धन्यवाद, थैंक यू।